क्या कर रही है तू? पुलिस का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों निकाल रही है यार? करना क्या चाह रही है यार? रुक जा ना, बैठ नीचे। भगवान के नाम पे कुछ दे दे भैया, पैसे दे दो कुछ, ये 10 रुपए दे दो। ऐसी जगह पे भिखारी, पास इतने पैसे हैं फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो? पैसे देने तो देने ही, तो अपना काम करना। अरे पर जाना, जा। ऐसी जगह पे भिखारी और इतने पैसे, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो मैम? सर वो पिछली वाली गली में ना मैंने बहुत सारे आदमियों को देखा, और वहाँ पर उनके पास बहुत सारे बड़े बड़े बैग्स थे, मास्क लगा रखा था और गन्स भी थी। हाँ ये वही चोर होंगे मैम, मैं देखता हूँ, आप फिक्र मत करो। हाँ सर। कहाँ मर गई थी इतनी देर से? तुझे पता नहीं, देख सकता हूँ फंसते फंसते बचाऊ मैं। अरे यार पुलिस को चकमा देने गई थी, टाइम तो लगेगा ना। तुझे पता अभी फंसते फंसते बचाऊ और बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया मेरे। अच्छा अच्छा ठीक है ना, वो सब छोड़, बैग लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। एक मिनट, आप लोग बड़ी जल्दी में लग रहे हैं, और इस बैग में कुछ जरूरी सामान लगता है। हाँ तो आपको उससे क्या? ओए तुझे बोला था ना अपने काम से काम रख। वो चोर यहीं कहीं घूम रहे हैं। सर चोरी हुई है? हाँ जी सर, मुझे एक आदमी पे शक है, वो वहाँ पे भिखारी बन के बैठा हुआ है, और उसके पास 500 का नोट था। आजकल भिखारी को 500 रुपये कौन देता है? सर मुझे उस पे शक है, मुझे लगता है वो हुलिया बदल के बैठा हुआ है। आप चलिए मेरे साथ। हाँ जी चलिए आइए। सेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए।